हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे अपने घरों में। तो गाइज, लेके आ गया हूँ मैं एक और नया एंड अमेजिंग वीडियो जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ दो ऐसे सीपीयू। पहला मैं नाम बताऊँ सीपीयू का, तो है चेस्ट बेस्ड बजट गेमिंग पीसी एंड दूसरा है इलेक्ट्रो बोर्ड बेस्ड बजट गेमिंग पीसी। दोनों ही का दाम सेम है एंड बहुत ही अमेजिंग दोनों है, बट बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस भी है। कौन अच्छा है और कौन खराब है आज मैं पूरा वीडियो में बताऊँगा आपको डिटेल। एंड वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखें, क्योंकि मैं पूरा इन्फॉर्मेशन आपको बताऊँगा जिसको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा परचेज करना है और कौन सा नहीं करना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तब तक आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए डेली नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लो। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो गाइस, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, हमारा जो सीपीयू है वो पहला सीपीयू है हमारा चेस्ट बजट गेमिंग पीसी एंड दूसरा जो है वो इलेक्ट्रो बोर्ड बेस्ड बजट गेमिंग पीसी। दोनों ही बहुत ही अमेजिंग पीसी है दोस्तों। लुक वाइज हमारा इलेक्ट्रो बोर्ड बेस्ड बजट गेमिंग पीसी ज़्यादा बेहतर है एंड प्राइस दोनों का सेम ही है, 22,500, लगभग 22,500 ही दोनों का प्राइस है। थोड़ा 100 ज़्यादा 100 कम हो जाता है कभी कभी, बट दोनों का सेम ही प्राइस है। लेकिन स्पेसिफिकेशन भी हमारे दोनों का सेम ही देखने में लगता है। मैं पहले बता देता हूँ दोनों का स्पेसिफिकेशन, उसके बाद बताऊँगा कि क्या है डिफरेंस दोनों में, मेन डिफरेंस जिसके लिए आपको कौन सा परचेज करना चाहिए। तो सबसे पहले स्पेसिफिकेशन मैं बता देता हूँ, तो इसका स्पेसिफिकेशन है चेस्ट बेस्ड बजट पीसी का इंटेल आई कोर आई फाइव जनरेशन का प्रोसेसर एंड इलेक्ट्रो बोर्ड वाला जो है उसमें भी है इंटेल आई फाइव थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर। दोनों में प्रोसेसर सेम है। उसके बाद मैं बताता हूँ स्टोरेज दोनों का, तो दोनों में ही 1 TB का हार्ड डिस्क स्टोरेज है दोनों में। लेकिन हमारा इलेक्ट्रो बोर्ड वाला जो है उसमें SSD कार्ड नहीं देखने को मिलता, बस 1 TB का स्टोरेज है, जैसा कि हमारा चेस्ट वाले में है 1 TB का स्टोरेज एंड SSD कार्ड भी उसमें लगा हुआ है। तो दोस्तों, अब मैं अगर दूसरे स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, तो इसमें हमारा दूसरा जो देखने को मिलता है वो 8 GB का रैम DDR5 रैम देखने को मिल जाता है, जो कि दोनों में ही है। इलेक्ट्रो बोर्ड वाले में भी 8 GB का DDR5 रैम है एंड चेस्ट वाले में भी 8 GB का DDR5 रैम है। बहुत ही अच्छा होता है, रैम में कोई दिक्कत नहीं। एंड अगर ग्राफिक्स कार्ड की मैं बात करूं, तो इसमें जो हमें ग्राफिक्स कार्ड देखने को दोस्तों मिलता है दोनों में ही, एनवीडिया की तरफ से आने वाला GT710 ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलता है, जो कि गेमिंग के लिए बहुत अच्छा है। 2 GB का दोनों में ही ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिल जाता है, बट ग्राफिक्स कार्ड के अंदर भी कुछ होता है स्पेसिफिकेशन जो कि दोनों में डिफरेंस है। जो हमारा जो चेस्ट वाला है उसमें जो 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड है उसमें आप सभी चीज़ कर सकते हैं, गेमिंग भी कर सकते हैं एंड वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं, हाई एंड गेमिंग कर सकते हो, GT710 पे भी कर सकते हो। मैंने किया है, मेरा यही है चेस्ट वाला। लेकिन इलेक्ट्रो बोर्ड वाले में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, 2 GB शो करता है लेकिन उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं यूज़ किया हूँ, उसमें थोड़ा सा कम है। आप अगर डिस्क्रिप्शन में आके देखोगे, अगर उसके जो मदरबोर्ड एंड जो ग्राफिक्स कार्ड है एनवीडिया का, उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। आप जाके सर्च करना जरूर अमेजोन पे। और मैं अगर तीसरी स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, तो दोस्तों जो हमें चेस्ट वाले में जो मदरबोर्ड देखने को मिलता है वो मिलता है H61 मदरबोर्ड विथ VGA एंड HDMI केबल। इलेक्ट्रो बोर्ड वाला है उसमें भी H61 मदरबोर्ड ही देखने को मिल जाता है, जो कि दोनों ही सेम है। मदरबोर्ड बहुत ही अमेजिंग है, दोनों में आप इसमें गेमिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें थोड़ा सा लैग करेगा, लैग का इशू आएगा एंड उसमें बहुत बड़ा इशू ये आएगा कि हमारा उसमें थोड़ा ब्लू स्क्रीन कभी कभी देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत बड़ा दिक्कत है इलेक्ट्रो बोर्ड वाले के साथ। इसलिए उसका दाम कम है एंड उसमें ज़्यादा स्टाइल दे दिया। मैं बताऊँ अगर परचेज करने की बात, तो अगर आपको लुक वाइज देखते हो तो इलेक्ट्रो बोर्ड वाला जो है बहुत ही अमेजिंग आपको लुक में लगेगा, लेकिन लुक में जो लगेगा वो है नहीं। उसके अंदर में स्पेसिफिकेशन उसका बहुत ही घटिया है दोस्तों। आप अगर यूज करोगे तो बहुत कुछ ही दिन बाद आपको उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिल जाएंगे, जैसे ईरर आ जाएगा बहुत कुछ चीज़ में। आप अगर कुछ अगर यूट्यूब से रिलेटेड अगर कर रहे हो तो उसमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा। वीडियो एडिटिंग में कितना सॉफ्टवेयर उसमें रन ही नहीं होगा, आपको लगेगा सब चीज़ हाई एंड दिया लेकिन उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम। मैं यूज़ किया हूँ, लेकिन चेस्ट वाला में आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। उसमें आप गेमिंग भी कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो, हर एक सॉफ्टवेयर उसमें रन होगा इजिली। एंड सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बताऊँ ना डिफरेंस जो चेस्ट वाले एंड इलेक्ट्रो बोर्ड वाले में, तो चेस्ट वाला विंडोज 7 मतलब विंडोज पे रन करता है, विंडोज 7 नहीं विंडोज 10 है चेस्ट वाले में। एंड जो हमारा वो है इलेक्ट्रो बोर्ड वाला उसमें हमें देखने को मिल जाता है DOS, जो कि DOS जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना बहुत ही हार्ड होता है वर्क करने के लिए। DOS आम पीपल नहीं यूज़ करते, वो कुछ अलग ही जिसको सॉफ्ट रहता है वही करते, सॉफ्ट नहीं जिसका अलग यूज रहता है वही करते, आपके लिए वो नहीं है DOS। लेकिन उसमें DOS ही देखने को मिलता है। अगर आप इसे परचेज कर लेते हो तो फिर आपको यूज़ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। आप उसका रिव्यू भी जहाँ जाके देखोगे बहुत ही घटिया उसका रिव्यू दिया हुआ है इलेक्ट्रो बोर्ड वाले का, क्योंकि उसको यूज़ करने बहुत ही हार्ड है एंड उसको आप यूज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि विंडोज़ उसमें दिया नहीं गया एंड चेस्ट। एंड दोस्तों, अगर आपको इसमें अगर परचेज करना है तो दोनों ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
गेमिंग आप कर सकते हो, दोनों पे गेमिंग के लिए है, लेकिन थोड़ा सा उसमें इलेक्ट्रोबोट वाले में प्रॉब्लम आएगा, गेमिंग हार्ड हो जाएगा। एंड विंडोज़ नहीं है सबसे बड़ा प्रॉब्लम, गेमिंग सब गेम्स पे चलेगा भी नहीं, विंडोज़ नहीं है, डॉस है, तो डॉस में कैसे चलेगा? आप जानते होंगे जो भी डॉस यूज़ करते होंगे या किए होंगे तो उनको पता होगा डॉस है, इसलिए इसे कभी नहीं परचेज करें, मैं ऐसा बोलूँगा। चेस्ट वाले को आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपका यूज हो जाएगा डॉस से तो वो अभी आप परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो प्रोडक्ट खराब ही है, ठीक है, आपको 22,500 में अच्छा प्रोडक्ट है गेमिंग के लिए, अगर आपको दिखाने के लिए है तो वो बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रोबोट वाला, लेकिन आपको यूज़ भी तो होना चाहिए, बस दिखावा के लिए कैसे कर सकते हो? इसलिए चेस्ट वाले के साथ मैं बोलूँगा आप जाइए, चेस्ट वाले कम दाम में बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप उसे परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको चेस्ट वाला का इन्फॉर्मेशन पूरा चाहिए तो उसका मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड आई बटन पर भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो चेस्ट वाले का पूरा वीडियो बनाया हुआ एंड इलेक्ट्रोबोट वाले का भी पूरा स्पेसिफिकेशन में बताया हुआ, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। कुछ अगर प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि क्या क्या इसमें दिक्कत है एंड क्या क्या इसमें मतलब अच्छाई है, वो भी आप पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा कि क्या इसमें इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड ऐसी वीडियोस के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मुंह दुखा रही है सर, कथी यहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है।